दोस्तों, मेरा नाम अमित है और स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल ब्लॉग्स टाइम में एक बार फिर से। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं अपने ब्लॉग्स में बाइक से संबंधित वीडियोस को बनाता हूं और अभी फ़िलहाल मैं होंडा SP125 यूज़ करता हूं और उसी से संबंधित वीडियोज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं फ्यूचर में दूसरे बाइक का रिव्यू नहीं करूंगा, दूसरे बाइक का भी रिव्यू करूंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी मेरा यह नया चैनल है और इस नए चैनल को आपके प्यार और सपोर्ट की काफ़ी आवश्यकता है। इसलिए दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा ताकि आपके लिए मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो ला सकूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस बाइक को मैंने 2020 में परचेज की थी और इस बाइक को परचेज करने का कारण था कि इस गाड़ी का माइलेज, मुझे इस गाड़ी का माइलेज काफ़ी अच्छा लगा था। दोस्तों ने मुझे बताया था कि यह गाड़ी काफ़ी अच्छा माइलेज देती है और माइलेज के कारण ही मैंने इस गाड़ी को परचेज किया था। साथ ही साथ इसका डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन दोस्तों, गाड़ी चलाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस गाड़ी का जो रियर टायर है वो काफ़ी थीन है, पतला है, जो कि नहीं होना चाहिए। होंडा को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि होंडा SP125 आगे और पीछे दोनों का जो टायर है वो सेम साइज़ देती है 80/118, जो कि इस गाड़ी का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है दोस्तों। क्योंकि अगर किसी भी बाइक का अगर टायर अगर पतला होता है, पीछे का जो टायर होता है वो अगर पतला मिलता है, तो इससे क्या होता है कि रोड पे अच्छा ग्रिप नहीं बन पाता और चलाने वाला का कॉन्फिडेंस उतना बेहतर नहीं होता जितना कि अगर आप पल्सर चलाते हैं, ग्लैमर चलाते हैं, उस पर जितना अच्छा कॉन्फिडेंस आता है उतना अच्छा कॉन्फिडेंस इस पर कभी नहीं बन पाता। तो दोस्तों, इसी वजह से मैंने क्या किया कि इस गाड़ी का टायर चेंज कर दिया, 90/90/18 साइज मैंने लगवा लिया ताकि मुझे रोड पे अच्छा ग्रिप मिल सके और एक कॉन्फिडेंस बन सके। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये 90/90/18 टायर साइज है और ये अगर आप अपने गाड़ी में लगवा लेते हैं तो काफ़ी अच्छा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है गाड़ी चलाने का। तो ये तो रही टायर वाली बात, लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बाइक से मैं 3 बार गिर चुका हूँ। जब तक मैंने टायर को अपग्रेड नहीं किया था तो 3 बार मैं गिर चुका हूँ और गिरने की वजह है बस गाड़ी का स्किड करना। आपकी बाइक स्किड कब करती है? जब अगर आप सडनली ब्रेक लगाते हैं तो स्किड करने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है और साथ ही साथ बरसात के सीज़न में भी स्किड करती है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि स्किड करने के बाद क्या क्या नुकसान हुआ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यह लेग गार्ड जो है, यह लेग गार्ड मेरा टेढ़ा हो गया था और इसमें काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा हो गया था और फिर मैकेनिक से इसको सीधा करवाना पड़ा। और साथ ही साथ इसमें आप स्क्रैचेस भी देख सकते हैं दोस्तों। स्क्रैचेस तो कम लगे थे क्योंकि इस पर उस समय मैं रोप लपेटे हुए था, तो इसलिए स्क्रैचेस कम है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि लेग गार्ड ने गाड़ी को बचा लिया, क्योंकि इसमें जो लेग गार्ड कंपनी प्रोवाइड करती है वो काफ़ी वाइड करती है और दोस्तों इसी वजह से गाड़ी बच गया। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी में इतने सारे फाइबर्स मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं, लेकिन फिर भी इन फाइबर्स मटेरियल पर कुछ भी खरोच नहीं आया। आप एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका ये जो पार्ट देखने में ज़रूर लगता है कि कहीं टूट जाएगा, एक्सीडेंट होगा तो टूट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये तो बिल्कुल ज़मीन से सटता ही नहीं, इसलिए ये बिल्कुल इस पर कोई असर नहीं हुआ। और इसके बाद जो असर हुआ है वो इसके फुटरेस्ट पे असर हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो इसका फुटरेस्ट है, ये फुटरेस्ट क्या हुआ दोस्तों कि ये टेढ़ा हो जाता है जैसे ही मतलब गाड़ी गिरती है, तो गिरने के बाद ये बिल्कुल घूम जाता है और घूमने के बाद इसको फिर सीधा करवाना पड़ता है, मैकेनिक के पास यानी कि वेल्डर के पास जाना पड़ता है और वेल्डर क्या करता है कि इस अपने वेल्डिंग मशीन से हीट करके सीधा कर देता है दोस्तों। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपका भी अगर फुटरेस्ट अगर गिरने से अगर ये टेढ़ा हो जाता है, तो फिर इसे आप अपने से कोशिश नहीं करेंगे सीधा करने का, क्योंकि अगर आप अपने से कोशिश करेंगे सीधा करने का तो ये टूट सकता है। इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि वेल्डर के पास ही जाकर इसको सीधा कराया जाए। ये मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, होंडा ऐसा क्यों देती है इस तरह का फुटरेस्ट, क्योंकि इसको अगर फोल्डेबल फुटरेस्ट देती तो शायद ये टूटने का डर नहीं रहता दोस्तों। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे साइड का भी फुटरेस्ट। दूसरे साइड का भी फुटरेस्ट के साथ वैसा ही हुआ था, हालांकि लेफ्ट साइड से गाड़ी कम गिरती है, लेकिन एक बार मेरा बैलेंस गड़बड़ हो गया था जिसके चलते मैं लेफ्ट साइड से गिर पड़ा था। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ भी ये फुटरेस्ट थोड़ा सा डैमेज, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है। आप देख सकते हैं इसे मुझे चेंज भी करना है, अभी मैंने चेंज नहीं किया है, इसको चेंज करना है। किसी दिन जाऊंगा शोरूम से तो इसको लाकर चेंज करूंगा।
इस साइड से भी दोस्तों गाड़ी जब स्किड की थी तो ये टेढ़ा हो गया था और इसे भी वेल्डर के पास जाकर मुझे सीधा करवाना पड़ा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ बाइक का आगे वाला साइड, जहाँ पे एक छोटा सा स्क्रैच आया हुआ था, कोई बहुत बड़ा स्क्रैच नहीं आया। वाइबर पे यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट साइड में थोड़ा सा स्क्रैच बना हुआ है, और जब मैं इस बाइक से गिरा था, जब मेरी गाड़ी स्किड की थी, तो उस समय ये हल्का सा स्क्रैच यहाँ पर आया था, और इस साइड भी स्क्रैच आप देख सकते हैं, इस साइड भी स्क्रैच आया था। तो इन्हीं स्क्रैच को छुपाने के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक स्टिकर लगवा लिया वाइबर पे। हालांकि इस वाइबर पे स्क्रैच गिरने से नहीं आया था, ये थोड़ा सा मेरे घर के बच्चों ने क्या किया था कि इस पे कुछ पेंसिल से लिख दिया था, इस वजह से मैंने इस पे स्टिकर लगवा दिया ताकि गाड़ी अच्छी लगे। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्रेक है, फ्रंट ब्रेक है, उस ब्रेक पे भी यहाँ पर आप थोड़ा सा पेंट उखड़ गया है, और फिर हैंडल का जो ये पार्ट है यहाँ पर भी थोड़ा सा स्क्रैच आ जाता है जब आपकी गाड़ी गिरती है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान दोस्तों नहीं कहा जा सकता है, गाड़ी के बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, इतना मैं ज़रूर आपको भरोसा दिलाता हूँ, क्योंकि मैं भी जब इस बाइक से गिरा था तो इतना ही नुकसान हुआ था, इससे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता। अक्सर लोगों का ये कहना है कि इस बाइक में फाइबर मटेरियल काफ़ी ज़्यादा यूज हुआ है जो कि टूट सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब वो ज़मीन से टकराएंगे ही नहीं तो फिर टूटेंगे कैसे। जब भी अगर आपकी बाइक गिरती है तो इसमें का कोई भी फाइबर मटेरियल ज़मीन से टच नहीं करता, अगर टच करता है तो केवल यही आपका फुटरेस्ट टच करता है, और ये आपका लेग गार्ड टच करता है। आई होप दोस्तों आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए ब्लॉग के साथ इसी तरह की जानकारी को लेते हुए। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।